हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने माइक्रो इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सेकेंड लेक्चर आपके सामने है। नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। कैसे नेशनल इनकम को फाइंड करना है और उसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का क्या रोल है, तो यहाँ देखेंगे डिफरेंट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर जो कोई लगातार आप काम करते हो, वर्क करते हो और उसके बाद जो प्रोडक्शन करने के बाद आपको बदले में मेहनत का पैसा मिलता है, वो किसी कंट्री की फैक्टर इनकम होती है। लिखा है यहाँ पे, इट रेफर टू अ इनकम रिसीव बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ रेंडिंग फैक्टर सर्विसेज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी फैक्टर सर्विसेज देने के बाद मिलने वाला पेमेंट किसी भी कंट्री का फैक्टर इनकम होगा और फैक्टर इनकम आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज इंक्लूडेड इन द बोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। आपकी डोमेस्टिक इनकम में भी हमेशा फैक्टर इनकम जोड़ी जाती है और नेशनल इनकम में भी नेशनल इनकम को फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं। इट इज एन अर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी फैक्टर इनकम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए कंपल्सरी होता है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम जो कभी कभी आपको विदाउट रिटेन अर्निंग मिल जाती है, वो किसी कंट्री की ट्रांसफर इनकम होगी। किसी भी, अगर आप ओल्ड पेंशन को लेते हैं तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम है। कोई आपको गिफ्ट करता है, कोई कंट्री आपको मदद करती है, वो तमाम चीज़ें, कोई फ्रेंड आपका फॉरेन में अर्न कर रहा है, आपको कुछ गिफ्ट कर देता है, वो आपकी ट्रांसफर इनकम होगी। कोई स्कॉलरशिप आप गेन करते हैं, वो ट्रांसफर इनकम होगी। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉई ने अपने फंड को डिडक्ट कराया है तो वो फैक्टर इनकम होगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन किसी एम्प्लॉय की फैक्टर इनकम होगी। तो यहाँ पे आपको कंफर्म किया है और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। आई होप एवरीवन क्लियर। इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट नाउ। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच का डिफरेंस ढूंढना है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन होता है और आप लोग फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में बार बार गलती करते हो कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होगा। एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करेंगे। दो मेगा स्टार याद रखिएगा, दो सुपर मेगा स्टार, कूली नंबर 1 मूवी बाय वरुण धवन और आपकी सारा अली खान, ये दोनों कैरेक्टर बहुत बढ़िया से गाने को गाए हैं। और जरा देखिएगा तो उसमें फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड कैसे ढूंढेंगे आप लोग। पहले डेफिनेशन सुनिए फिर मूवी के गाने पे चलते हैं। फाइनल गुड आपके लिए क्या है? फाइनल गुड जो पूरी तरीके से कंजम्पशन के लिए तैयार है, कंज्यूम करने के लिए तैयार है, वो फाइनल गुड होगा। और फाइनल गुड हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। किसी भी इकोनॉमी ईयर में, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो कंजम्पशन किया जा रहा है फाइनल गुड, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और इंटरमीडिएट गुड जिसपे टेक्नोलॉजी एक्सपेंस करोगे और आगे उससे कुछ और बना सकते हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, आप उस पर टेक्नोलॉजी एनहांस करेंगे और फिर कुछ और बनाएंगे, कैसे और उसको जितना मॉडिफाइड करने का चांस है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड है, यानी वो रॉ मटेरियल है। क्या बोलता है गाने में, मैं तो रस्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था।
खा रहा है और सबको मिर्ची लग रही है, तो आइसक्रीम में जो मिल्क है डिपेंड ऑन केस टू केस कि उससे वो क्या तैयार करता है। अगर मिल्क को एज इट इज यूज करता तो वो आपका क्या होता, फाइनल गुड होता, लेकिन अगर उसको किसी और फॉर्म में आइसक्रीम बनाने के लिए यूज किया गया तो मिल्क इंटरमीडिएट गुड हुआ। मिल्क को पनीर बनाने के लिए यूज किया जाएगा तो इंटरमीडिएट गुड होगा। बहुत ध्यान से देखेगा यहाँ पे कि आपका जो इंटरमीडिएट गुड है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। आप इसे जितने बचा लो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने नेशनल इनकम के ले लिए है, इसके बाद मैं आपके लिए नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आ रही हूँ और वहां से हर एक साल आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांस वही होते हैं। तो प्लीज मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, अगला वीडियो मेरे साथ जरूर देखेंगे। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जिस तरीके से आपके व्यूज आ रहे हैं, आपके व्यूज मुझे मोटिवेट करते हैं और आप अपना बेस्ट देते रहिए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।